आप देख रहे हैं दबंग बिहार स्टार टीवी, सही खबर सबके लिए। मैं हूं एमएम बरकाती। आइए नजर डालते हैं सीतामढ़ी जिला की प्रमुख खबरों पर। ज्ञान मैट्रिक मिशन कोचिंग सेंटर जो परिहार रोड कब्रिस्तान के सामने कुम्मा में है, बच्चों की बेहतर पढ़ाई के लिए आप कांटेक्ट इनसे कर सकते हैं, जिनके संचालक है ललन कुमार जी। अच्छी पढ़ाई, बेहतर व्यवस्था के लिए आप इनसे ज़रूर संपर्क करें। इनके कोचिंग सेंटर जाकर हमारे संवाददाता मोहम्मद महफूज उर्फ मुन्ना जी ने लाइव कवरेज किया, जहां पर बच्चों से भी बातचीत हुई, शिक्षक से भी बातचीत हुई। आप पूरा देखें, फिर आपको समझ में आएगा 2022 में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले कुछ छात्र और छात्राएं भी हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है। आप पूरा देखें लाइव कवरेज मुन्ना जी के साथ। दबंग बिहार स्टार टीवी से रिपोर्टर मोहम्मद महफूज उर्फ मुन्ना। इस वक्त हम सुरसंड विधानसभा और परिहार विधानसभा और कुम्मा चौक पे, ये दोनों विधानसभा का एक बॉर्डर है जो परिहार मेन रोड NH 104 सटे, जो यहाँ हम जो चार बच्चा सुपर स्टार पूरे जिला में सुपर स्टार वो नंबर लेके आए हैं, जो मैट्रिक का परीक्षा दिए हैं। तो ये नंबर कैसे लाए हैं और कहाँ से लाए, और ये नंबर इन चारों बच्चा के पीछे, मेहनत के पीछे किनका किनका हाथ है, ये हम ज़रा जानना चाहते हैं। तो चलते हैं यहाँ, ये चारों बच्चे जो ट्यूशन के माध्यम से ये मेहनत करके ये अपना नंबर खींच के लाए हैं। तो चलते हैं ट्यूशन में, जो यहाँ ज्ञान मैट्रिक मिशन कोचिंग सेंटर है, तो यहाँ जरा हम इन चारों बच्चा से छानबीन करेंगे और पूछताछ करेंगे कि इनके पापा और मम्मी क्या रोजगार और कैसे इनको पाले और कैसे रखे और कैसे ये शिक्षा दिए और यहाँ तक कैसे आए और कैसे नंबर ये खींच के लाए। हाँ, आपका क्या नाम है? घर बारह। तो आपका कितना नंबर आया है? 408। तो आप एडमिशन जो मैं एडमिशन दसवीं का कौन सा स्कूल में कराए हैं? सुथियारा। तो वहाँ कब कब आप पढ़ाई करने जा रहे थे? वहाँ पढ़ाई है, कब कब आप पढ़ाई करने जा रहे थे ये हम जानना चाह रहे हैं। जब हमारे कोचिंग में छुट्टी हो तो तब पढ़ने जाते थे। मतलब वहाँ भी मेहनत करके आप पढ़ाई करते थे? जी। ठीक है, तो आपके मम्मी पापा क्या काम उम कर रहे हैं? हमारे मम्मी पापा किसान हैं, खेती करते हैं। खेती करते हैं जी। और यहाँ जो आप ट्यूशन पढ़ने आए हैं, तो कब यहाँ ज्वाइनिंग किए? जब हम 8 क्लास में थे तब यहाँ पर 2019 में ज्वाइन किए थे। जी जी। तो आपका कौन कौन विषय में कितना नंबर आया ये मैं जानना चाह रहा हूँ। मैथ में 83 था। इसी तरह से था, इसी तरह से था। मतलब सब मिला के टोटल नंबर आपका 408। मतलब पूरे सीतामढ़ी जिला में सबसे नंबर वन। और आपके पीछे जो परीक्षा जो हुआ, बोर्ड में जाके परीक्षा दिए सीतामढ़ी या कहीं भी दिए, तो क्या वहाँ आएगा या यहाँ ट्यूशन जो पढ़ा रहे हैं आपके सर जी, ये घूस लेके पास कराया गया? नहीं, हमारे सर ऐसा नहीं थे, ऐसा घूस उस नहीं लेते थे वहाँ पर। मेहनत के मतलब मेहनत करके आप पास हुए हैं जी। तो चलते हैं, हमारे एक और भाई साहब है, जरा हम उनसे भी बात करते हैं। हाँ सर, आपका क्या नाम है? विवेक कुमार। घर बारह। और पिताजी का क्या नाम है? श्री दशरथ सिंह। तो सर, हम यहाँ आए हैं आपके कोचिंग में और चार बच्चे सबसे सुपर स्टार, मतलब कचरा में भी कमल खिलता है। ये जो कोचिंग का हम जो स्थिति देख रहे हैं, यहाँ ना ओस्टर ना पोस्टर, कोई चीज़ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो चलते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई पे यहाँ के सर जो है, मास्टर है, वो ध्यान दिए और बच्चे दिए। तो आपका कितना नंबर आया है? 424 नंबर। 424 पूरे कोचिंग में इन्हीं का सबसे। तो ये पूरे कोचिंग में सबसे ज्यादा आपका नंबर है। तो ये नंबर लाने के पीछे किसका सफलता है? मेहनत।
सफलता हमारे सर का है और मतलब हम हमारे मेहनत के हिसाब से भी हुआ है और दोनों आदमी का सफलता। बस कोचिंग पे मतलब हम आते थे यहाँ से, मतलब कोचिंग पे आते थे, यहाँ पे पढ़ाई एकदम बढ़िया होता है और यहाँ से घर पे जाते थे तो मेहनत करते थे और फिर यहीं पे मतलब कोचिंग पे जो टेस्ट वगैरह हर चीज़ मतलब यहाँ पे हर चीज़ का सुविधा होता है। टेस्ट में आपको कितना नंबर आता था? टेस्ट में कितना नंबर आया? टेस्ट में हम लोग, मेरा फाइनल एग्जाम हुआ जब मतलब परीक्षा टेंथ का परीक्षा बोर्ड में देने गए ना, तो फाइनल एग्जाम हुआ उससे पहले तो हमारा 363 नंबर था यहाँ पे। तो सर एक और हम जानकारी लेना चाह रहे हैं, जैसे कुम्मा में और भी 8-10 कोचिंग हैं, तो क्या हर कोचिंग में बच्चा सबसे ज्यादा नंबर लाया कि आप ही के कोचिंग में? नहीं, कुमा चौक पे तो मतलब इसी कोचिंग का नंबर सबसे ज़्यादा है और अभी तक तो मतलब अभी तक तो नहीं पता कि कोई बच्चा मतलब किसी कोचिंग का अभी तक 400 पार नहीं किया आपकी बार किसी कोचिंग का हुआ। तो हर साल ये कोचिंग में बच्चा पार करता है 400 प्लस या 300 प्लस या हम किए? हर साल मतलब ये कोचिंग अभी खुला ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, जिस मतलब जब से खुला है ना तो फर्स्ट बार तो मतलब बच्चा सब उतना नहीं था तो सर भी मतलब उतना बढ़िया से पढ़ा नहीं पाए लॉकडाउन के चलते, लेकिन जब लॉकडाउन मतलब खुला ना तो सर एकदम फोकस के साथ पढ़ाए और बच्चा के ऊपर मेहनत किए और मतलब बच्चा भी मेहनत किया तो मतलब 2 साल से 400 पार हो रहा है। तो आप अपने मम्मी पापा का पैसा को मतलब पानी में बहा नहीं रहे? नहीं। अच्छा, पढ़ाई करके आप क्या कीजिएगा आगे भविष्य में? बहुत खुशी की बात है और देश की सेवा करेंगे और ये बहुत जल्दी आर्मी में ये जाएंगे, 99% उम्मीद है। एक और से हम बात करते हैं। हाँ सर, आपका क्या नाम है? प्रिंस कुमार। घर? बारा। खाना? परिहार। कितना नंबर आपका आया है? 400 नंबर। कहाँ से लिया? किसका चोरी कर लिया? मेहनत के बदौलत, अपना सर दोनों के मेहनत। झूठ बोलते हैं। कितना देर पढ़ाई करते थे? घर पे सुबह 4 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम में और दोपहर में भी 3 घंटा। मतलब गोली डंडा नहीं खेलते थे, मेहनत कर के आँख फुला के आप परीक्षा दे के नंबर लाए जी। तो आप एडमिशन आप सरकारी स्कूल में कहाँ कराए हुए थे? तो वहाँ का पढ़ाई कैसा है? वहाँ के मास्टर कैसा आपको शिक्षा दे रहे थे, पढ़ा रहे थे कि खिचड़िया खिला रहे थे? नहीं, वहाँ पर भी पढ़ाई होता है बढ़िया, उसी के हिसाब से हम भी पढ़े जी जी और मेहनत की। तो चलते हैं, एक और है हमारे भाई साहब, जरा हम उनसे भी बात करते हैं। हाँ सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूरे है। बारा। तो सर यहाँ ज्ञान मैटिंग मिशन कोचिंग में जो 4 बच्चा एकदम सुपर स्टार आपका साथी जो आए हैं पूरे सीतामढ़ी जिला में जहाँ तक हमको अनुमान है, तो ये जो है ये इसके पीछे कुछ राज्य है, हो सकता है या घुसखोरी से, हो सकता है या पैसा फेंक के यहाँ के जो सेंटर जो आपके मास्टर चलाते हैं या आगे जो आप परीक्षा दिए बोर्ड में सरकारी पदाधिकारी पैसा लेके वो नंबर देते हैं, ऐसा हुआ है आपके साथ? मेहनत किया? लेकिन ऐसा बात नहीं है, मेरे सर बहुत करते थे, ठीक है और बढ़िया से मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी मेहनत किए तो ऐसा नंबर है। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी खेतीबाड़ी करते हैं जी जी। तो आपके मास्टर जो यहाँ है उनका क्या नाम है? मेरे सर जी का नाम है और शुरू से ही अकेला ही पूरा सिलेबस मैनेज करते हैं और पूरा सिलेबस अकेले पढ़ाते हैं जी जी। तो एक चीज हम जानना चाह रहे हैं, फोन करना चाह रहे हैं कि ये नंबर जो आया है ये पहली बार या ये कोचिंग में आया है कि इससे भी पहले आया था और बच्चा का? इससे पहले भी आया था, 4-5 बच्चा का इससे पहले भी आया था जी जी, 2 साल से आ रहा है 4। तो अभी आप जो मैट्रिक पास कर लिए तो आप एडमिशन अभी कहाँ आपका हुआ है? अभी तो एडमिशन नहीं हुआ है, ऑनलाइन अभी नहीं, सर्टिफिकेट नहीं मिला। सर्टिफिकेट मिल गया। एक चीज और है जो आप यहाँ जो है यहाँ खाना उना भी मिलता है? यहाँ नहीं, हम लोग घर से खा के आते हैं घर से। और यहाँ फीस आपका नाम है? घर सुंदरपुर। तो सर हमने आपको 4 दिन पहले कॉल किया जो आप हर जगह बोर्ड लगाए और 4 बच्चा का देख के हमने दिल मेरा
गजगज हो गया। तो हमने सोचा कि चलते हैं कोचिंग पे, कौन है कहां से है जरा हम बात करते हैं। और मेरा नियम है, मेरे चैनल का नियम है कि अच्छा को अच्छा दिखलाना, अगर गलत है गलत को दिखलाना, किसी के नीचे हम दबते नहीं हैं। तो सर हमने आपको कॉल किया, आप हमको बुलाए, स्वागत किया, बहुत अच्छी बात है। तो सर मेरा ये कहना है कि यहाँ जो कुम्मा में आप जो कोचिंग खोले हैं, कितना दिन से खोले हैं आप? सरकारी नौकरी क्यों नहीं की आप? कहीं पे बहाली हो के लिए पेपर दिए कि नहीं दिए, ये हम जानना चाह रहे हैं। सब बारी बारी से बता रहे हैं। जैसे हम कुम्मा चौक पर 2017 में आए, जैसे हम कुम्मा चौक पर 2017 में आए, कुमार चौक के कोचिंग की व्यवस्था को देखे कि बच्चों कुछ बच्चा पढ़ने वाले भी थे, कोचिंग की व्यवस्था के जो भी प्रिंसिपल सर थे, हम सहायक सर थे उस समय, दूसरे में पढ़ाते थे, तो बच्चा पढ़ने वाला बच्चा को भी उस ढंग की पढ़ाई नहीं मिलता था। और यहाँ के अन्य प्रिंसिपल को कहना था कि यहाँ कुमार चौक को 400 पार नहीं करता है, 80% नंबर नहीं लाता है। तो हमने इस बातों को माइंड में बैठाए और दिमाग में बैठाएं कि चलिए एक समय आएगा तो हम भी इस चौक पर कोचिंग खोलेंगे और कोचिंग खोलें और उस जज्बे के साथ खोलें। इसको आपने चैलेंज में लिया? हाँ, चैलेंज में लिया। कहें कि अगर गांव के बच्चा तो हर चीज़ करता है, तो हम उस ढंग से बच्चों को ढालेंगे, क्योंकि हमने प्रण लिया कि जब हम कोचिंग खोले तो हम अपने बैनर पर उस समय मिशन 400 अंक रख के, मतलब बैनर छपाए थे, उस बैनर को भी दिखाएंगे, क्योंकि मिशन 400 अंक रख के खोले थे। तो उस समय लोगों ने अपवाद में क्या उसको मजाक उड़ा रहा था। मजाक उड़ाने के बाद भी हमने उस सारे मजाकों को सुनकर चलते गए, मेहनत अपना जारी, अपना काम करते गए, मेहनत करते गए, हम अपना काम करते गए। और करने के बाद क्या किए, हम 10th क्लास को जब जो भी बच्चा आया मेरे पास, हमने उसको 3 घंटा सुबह दिए और 3 घंटा शाम दिए, चाहे जितना कमजोर बच्चा हो, उस बच्चा को आज तक हम अपने कोचिंग से फेल नहीं। तो सर आप नौकरी के तलाश में फिर क्यों है कि जो आप ये जो, ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले मेरा बचपन से सोच था कि आर्मी बनना है, इस बच्चा की तरह मेरा सोच था कि आर्मी बनना है। हमने आर्मी में 3 बार ट्राई किए, दौड़ भी निकाले, हर चीज निकाले, और निकालने के बाद मेडिकल में से हम 3 बार छठे। किस लिए? क्योंकि उस समय मेरे शरीर में शिवलिंग था ना, तो जो भी एक सचिन सर थे उस समय मुजफ्फरपुर एआरओ में, उस सर मतलब लिख देते थे चर्म रोग, और वही सर लास्ट में हमको मतलब अति भी दिए मोटिवेशन के, बच्चों तुम में एक जज्बा अलग है, तुम आर्मी लाइन छोड़ दो और अलग लाइन अपना। ठीक है, तो आप जो शुरू से आप पढ़ाई लिखाई की है, तो आप अपने स्कूल का नाम बताइए, कौन सा कॉलेज में आप एडमिशन कराए हुए थे और कहाँ से आप पास होके और यहाँ ये चीज अपना? मेरा सुंदरपुर घर है, हम तो सुंदरपुर से ही प्राथमिक विद्यालय पर है, वहाँ से प्राथमिक विद्यालय से मेरा मध्य विद्यालय हम कुम्मा से पर है, कुम्मा के बाद हम जो हाई स्कूल की पढ़ाई बतनाहा हाई स्कूल से किए, अब और कॉलेज की पढ़ाई जो सीतामढ़ी से किए। कौन सा कॉलेज? LK कॉलेज है। LK कॉलेज, हाँ। और आगे के जो BA है तो उसे यूनिवर्सिटी से, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी। लास्ट आपका डिग्री कौन सा है? मेरा अभी लास्ट डिग्री है जो BA है, BA के साथ डिग्री। जी। तो इस पे जो है जो, और यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी और सरकारी पदाधिकारी जो जहाँ जहाँ स्कूल खोल के, हाई स्कूल से लेके, मिडिल से लेके, आंगनबाड़ी से लेके, ये सब पे लालत है और सब मास्टर पे लालत है कि ये जो भी बच्चे अगर ट्यूशन से आगे निकलते हैं, अगर अच्छा ही रहता ये सब पदाधिकारी और सरकारी ऑफिस और शिक्षा मंत्री के ऊपर, शिक्षा मंत्री जो हमारे बिहार के हैं, अगर ये सब पे ध्यान देते तो ऐसा नौबत ना आते कि बच्चा प्राइवेट में खर्चा करके और वो पास आगे होते। जय हिंद, जय बिहार। तो हुआ क्या, 19 बल्ला में हम लोग 6 महीना में कोचिंग खोले थे, तो उसमें हाईएस्ट 385 गया था, और जो 20 वाला 21 में रिजल्ट दिया उसमें 6 बच्चा 400 पार किया था, उसमें 442 हाईएस्ट था, उसमें 442 में एक चंदन कुमार नाम का लड़का है, और सारा भी लड़का है, मतलब उस लड़का को मतलब पंपलेट दिखा सकते हैं, मतलब है ना। और उसके बाद क्या कि हमने सोचा कि अगर सीतामढ़ी जाकर बच्चा से 400 पार करता है, वैसा 400 पार अगर हम यहाँ करवा सकते हैं,
क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया और विश्वास करने के बाद बच्चों को हमेशा, अभी भी हम क्लास चलाते हैं तो बच्चों को हमेशा शुरू से ही ढालने का प्रयास करते हैं। और जो बच्चा मेरे यहाँ आता है 8 से भी हम ढालते हैं। जो भी बच्चा 400 पार किया है वह बच्चा 99% बच्चा जो मेरे यहाँ शुरू से पार। ये जो एक बच्चा जो बोला है कि हम आर्मी बनेंगे, हम तो उनके घर का ये नहीं जानते, लेकिन एक चीज हम जानते हैं कि गरीब परिवार का भी ऑफिसर बनता है और बहुत सारा बना है, क्या इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले यहाँ जो भी है गांव से, सब लगभग जो किसान है, किसानों में अति गरीब लड़का से, क्योंकि हम घर पर जाके देखे हुए हैं और हम इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक महीने घर पर चले जाते हैं और बच्चों को वहाँ भी इस गार्जियन के साथ भी इसको मतलब डांट वहाँ भी जाकर हम देते थे कि तुम लोग भविष्य में आगे बढ़ सकता है, तुम लोग मेहनत करो, हम मेहनत कराने के लिए तैयार, जितना देर तुमको पढ़ना है हमसे पढ़ो, पढ़ाने के लिए। उसके बाद क्या करते थे, सुबह में 3 घंटा, 3 घंटा शाम में, फिर अक्टूबर आया तो 10 से 4 कर देते थे और उस अक्टूबर में मतलब मंथली टेस्ट हो रहा है, उस टेस्ट के बाद भी हम ये सभी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, जो आगे निकलना चाहता है उस बच्चों के लिए हमने टेस्ट सीरीज की व्यवस्था की, जो कंपटीशन में होता है, जो 10th क्लास में कभी नहीं होता है और कोई कोचिंग वाला नहीं कराता है। हमने 3-4 साल बैक जो मॉडल सेट होता है उस मॉडल सेट को भी टेस्ट सीरीज के रूप में घुमाकर इसको टेस्ट मतलब लिए। और तो आप 9 के ही बच्चे को पढ़ाते हैं, 8वीं की जो पहला दूसरा तीसरा? मेरे यहाँ सिर्फ 7th से लेकर 10th तक, मतलब जो भी है बच्चा यहाँ मेरे कोचिंग में कम रहता है। अभी कोचिंग में मेरे पास 8th में ज्यादा से ज्यादा 10-15 बच्चा होगा, 9th में भी 10-15 बच्चा होगा और 10th में वह मतलब 25-30 बच्चा होगा। 10th में जो भी बच्चा आता है ना